छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? 3 दिसंबर से लगातार ये सवाल बना हुआ है और बता दें कि इसको लेकर अब जल्द ही सस्पेंस खत्म होने वाला है। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि रविवार को बीजेपी के पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में पार्टी विधायक दल की बैठक करेगी। विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर चर्चा होगी और उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान पार्टी करेगी। पार्टी के तीनों पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम सभी विधायकों से सीएम पद को लेकर चर्चा करने वाले हैं। वहीं बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनमत दिया है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की है, उन सब कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई है, मतों के प्रतिशत के हिसाब से और सीट के हिसाब से भी ये ऐतिहासिक जीत हुई है। इस जीत का श्रेय छत्तीसगढ़ की जनता को है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को है, उनकी गारंटी को है, हमारे सभी राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। लगातार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का लगातार छत्तीसगढ़ आना हुआ और हम कार्यकर्ताओं का उन्होंने उत्साहवर्धन किया। जनता ने हमारे नेतृत्व पर भरोसा किया और ऐतिहासिक जनमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है।